से आप सभी में विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो जैसा कि आप सभी जानते रोज रात 8 बजे हमारी UPSI SSCGD UP लेखपाल और अन्य जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि अभी आपका RO का भी अगले महीने है, तो इन सभी के लिए हिंदी की संपूर्ण सिलेबस का ही मॉडल पेपर होता है। संपूर्ण सिलेबस नए क्वेश्चंस होते हैं। देखिए बच्चा, हिंदी का सिलेबस ज़्यादा नहीं है। हिंदी में हम लोग ज़्यादा ऐसा नहीं कि मैथ की तरह नए क्वेश्चन बना सकते हैं, रीजनिंग की तरह नए क्वेश्चन बना सकते हैं या इनडायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। हिंदी का एक फिक्स सिलेबस होता है। सामान्य हिंदी आपके पेपर में आती है, वो व्यक्ति आपसे सामान्य जानकारी चाहते हैं, फिर भी कोशिश करते कि आप लोगों को हर तरीके के क्वेश्चंस, हर तरीके का मैटर, हर तरीके का कंटेंट आप तक मिल जाए, आप तक पहुंच जाए। तो ध्यान देकर आपको क्वेश्चन का उत्तर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये संपूर्ण सिलेबस का मॉडल पेपर होता है। पहला दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, उत्तर दीजिए। क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए, जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़ के उत्तर देना। सारी जल्दबाजी के चक्कर में गलत होते हैं, होते नहीं होते आप बताइए यस या नो करके। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। औसतन अगर हम देखें एवरेज के हिसाब से, तो हर पेपर में अगर 100 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन हम लोग जानकर गलत कर देते। जल्दबाजी में हम लोग पढ़ते नहीं है। हर पेपर में 2 प्रश्न होने ही होने हैं गलत, चाहे तो जल्दबाजी में क्वेश्चन ना पढ़ के या फिर हम लोग गोला भरने में मिस्टेक कर देते हैं, और ये हम सबके साथ होता है। चलिए बच्चा, लेकिन अगर हम इस चीज को बचा पाए तो हम लोग 2 नंबर तो कटने से बचा पाए, मतलब नेगेटिव मार्किंग में बचे 2 क्वेश्चन पर, और उनका आंसर मिलेगा। इसलिए पढ़िए फिर उत्तर दीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा स्वर